हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने नाइन्थ वीडियो का सेशन लेके आया हूँ। जो नाइन्थ वीडियो का सेशन होगा उसमें हम डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एच का यूज करना सीखेंगे कि कहाँ हम डाउनवर्ड एच का यूज करना है और कहाँ अपवर्ड एच का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, ये रूल काफी इजी होगा डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एच का। तो इस वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से देखना कि एच के क्या क्या रूल्स हैं, जो मतलब जहाँ पे डाउनवर्ड आएगा, क्या क्या रूल्स है जहाँ पे अपवर्ड आएगा। तो इजी तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? चलते हैं वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स, कंसोनेंट एच, इसमें कहा है कि दो प्रकार के एच होंगे, एक तो डाउनवर्ड होगा और एक अपवर्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो डाउनवर्ड का एच जो कैसे बनेगा देखना, ये ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड एच और ये अपवर्ड, ठीक है? ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, ठीक है? कुछ दिक्कत नहीं है इसमें स्ट्रोक बनाने में कि एच कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के एच है, ये हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। तो इनका यूज करना कैसे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? देखना, इसमें कहा है पहले में कि व्हेन एच कम अलोन विद वोवल, कि जब एच सिर्फ अकेला है वोवल्स के साथ, ठीक है, एंड फॉलोड बाय के एंड जी, के बाद, या तो के अकेला वोवल्स के साथ आए, ठीक है, और या फिर एच के बाद के और जी का स्ट्रोक आए, कंसोनेंट आए, ठीक है? तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे, ठीक है? क्या कहा है कि जब अकेला आए वोवल, एच आए वोवल के साथ, सिर्फ एच एंड, और एच के बाद के और जी का स्ट्रोक आए, तो डाउनवर्ड एच का यूज करना है, ठीक है? और एक डेरिवेटिव फॉर्म्स होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब जैसे ही देखना स्टूडेंट्स, एच के साथ वोवल्स आ रहा है सिर्फ, और कोई भी स्ट्रोक नहीं आ रहा है, कंसोनेंट नहीं आ रहा है, ही डाउनवर्ड बनेगा। क्या कहा है? डाउनवर्ड। तो ही शॉर्ट ई लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, ही, तो थर्ड प्लेस जाएगा स्टूडेंट्स। थर्ड प्लेस मतलब थ्रू द लाइन, ये देखना, ये बना एच, ठीक है, ये बना एच थ्रू द लाइन, ही यहां लगेगा वोवल, ठीक है, थर्ड प्लेस में, समझे? ही के साथ सिर्फ वोवल आ रहा है, इसमें कहा एच कम अलोन विद वोवल, तो डाउनवर्ड यूज करना डेफिनेटली बताया। नेक्स्ट हमारा हे, लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, hey, तो मतलब लॉन्ग ए मीन्स सेकेंड प्लेस वोवल, ठीक है, डाउनवर्ड यूज करना है, ये एच और लॉन्ग ए, क्या बना, हे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा हाई के साथ भी कोई कंसोनेंट नहीं आ रहा, सिर्फ आई का डिफ्थोंग आ रहा है, आई मैंने कराया था पिछली वीडियो में, डिफ्थोंग हाई फर्स्ट प्लेस आएगा, फर्स्ट प्लेस मीन्स अबव द लाइन एच, ये बना हाई, ठीक है, समझे आप? ये बना ही, ये हे, ये हाई, ठीक है स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया कि कम अलोन विद वोवल, एच आया सिर्फ वोवल के साथ, तो डाउनवर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है हेक, हेक में भी एक है फॉलोड बाय एच और जी, कंसोनेंट, ठीक है, हेक के आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो डाउनवर्ड यूज करना हेक, हेक लॉन्ग ए, हेक, ठीक है, एच करना सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन, ये बना ऑन द लाइन एच, देखो दोबारा बना देता हूं, ये थोड़ा ना पेंसिल से मेरा हाथ नहीं चल रहा है, देखना एच और के, हेक, ठीक है, ये लाइट बनेगा के, हेक, समझ रहे हो ना, डाउनवर्ड के एंड जी के साथ। नेक्स्ट बनेगा हमारा हेग, हेग स्टूडेंट्स कैसे होगा, सेम हेग, ये इसमें के का स्ट्रोक लगा, इसमें जी का लगा देंगे, हेग एच और जी, क्या बना, हेग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा हाईली, तो इसमें हाईली में ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव फॉर्म्स में आएगा कि हाई हमने ऐसा लिखा, किसी भी हाई के बाद कोई भी स्ट्रोक आ जाए, कोई भी एक्स वाई जेड, तो हमेशा जो एच बनेगा हाई के साथ, हाई के साथ हाईली आएगा, ठीक है, हाई के साथ हाईवे आ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो डाउनवर्ड एच आएगा। डेरिवेटिव फॉर्म्स बोलते हैं कि हाई को हम किसी भी सिचुएशन में नहीं छेड़ना है, हाई जैसे बनेगा वैसे बनेगा, जैसे हमने बनाया हाईली, ये सॉरी डाउनवर्ड बनाएंगे हाई, आई का साउंड आ रहा है हाई,
ये एल हाईली, वाई आ रहा है लाइट डॉट हाईली। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हमारा हायर, हायर स्टूडेंट्स कैसे होगा, हायर हाई आ रहा है इसमें भी हायर में, ठीक है हायर, दो डिफ्थोंग आ रहे हैं इसमें, जॉइनिंग ऑफ, दो डिफ्थोंग आ रहे हैं हायर, ठीक है जॉइनिंग ऑफ डिफ्थोंग्स, मैंने 8th वीडियो में बताया था हायर हायर। ठीक है, ये बना हमारा हाई, ये बना हमारा हाई, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है आज पेंसिल से थोड़ा, ये आर हाई अर, ज्वाइनिंग ऑफ डिफ्थोंग्स बताया था ना हाईअर। नेक्स्ट हमारा हाईवे, हाई हाई को नहीं छेड़ना, हाई जैसे बनता वैसे बनेगा, हाई डेरिवेटिव फॉर्म्स है हाई वे, ये बना हाई वे, एच थोड़ा देख लेना एच ही बनाया है मैंने डाउनवर्ड, और वे लॉन्ग ए आ रहा है तो डार्क डॉट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हैरिक, हैरिक को भी नहीं चढ़ना क्योंकि ये ऑलरेडी है में डाउनवर्ड आ चुका है, हैरिक हैरिक देखना स्टूडेंट्स, एच आर के तीन कंसोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं तो डाउनवर्ड एच सेकंड प्लेस है आर के, ये है रिक। ठीक है, समझ में आया ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है ये डाउनवर्ड का आएगा कि डाउनवर्ड में सिर्फ एच अकेला आए विद वोवल, ठीक है, और एच के बाद के और जी आता है तो डाउनवर्ड एच बनेगा, और डेरिवेटिव फॉर्म्स कन्वीनियंस ऑल्सो कि जहां हमें अच्छा लगेगा बनाना या सूटेबल होगा स्पीड में जहां लिखा जाएगा उसका भी हम एच में डाउनवर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्म्स में आगे देखो हाई, हाई ऊपर बनाया था ऐसे तो हाई तो किसी भी प्रकार से नीचे ना वो डाउनवर्ड ही बनेगा, चाहे हाई के बाद कोई सा भी स्ट्रोक आ जाए। ठीक है, ये मैंने आप आई थिंक समझ गए होंगे, देखो रिवाइज करा देता हूं, ये बना हमारा ही हे हाई हेग हेग हाईली हायर हाईवे और हैरिक। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में क्या क्या कहा है कि यूज देख क्या लिखा है, यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज जॉइंड टू अदर कंसोनेंट, मतलब जो अदर कंसोनेंट का मतलब जो हमने पिछले पेज में किया था ना डाउनवर्ड, उसके अलावा कोई भी स्ट्रोक आ जाए ना, ठीक है तो हमेशा अपवर्ड बनेगा। ठीक है, जैसे हैप्पी, हैप्पी में जी भी नहीं आ रहा, ठीक है जो हम डाउनवर्ड बनाएंगे, हैप्पी में अकेला भी नहीं आ रहा वोवल्स के साथ जो बताया था तो डाउनवर्ड वैसे भी नहीं बनेगा, एच के बाद पी आ रहा है तो डाउनवर्ड में मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि पी भी आए, तो इसको हमेशा अपवर्ड लिखना है। कि पिछली वीडियो के अलावा जो मैंने करवाया था, सॉरी पिछले जो अभी लेटेस्ट पेज गया पेज नंबर 2 डाउनवर्ड आर में डाउनवर्ड एच मैंने बताया था, उसके अलावा कोई भी स्ट्रोक आ जाए ना तो हमेशा अपने अपवर्ड का यूज करना है। जैसे ये देख लेते हैं हैप्पी, हैप्पी स्टूडेंट्स देखना एच बनेगा, हैप्पी शॉर्ट ए फर्स्ट प्लेस वोवल, फर्स्ट प्लेस वोवल मींस अबव द लाइन, ये एच ये पी है पी, आई का साउंड है ना पी के लास्ट में आ जाएगा हैप्पी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा होप, लॉन्ग ओ आ रहा है लॉन्ग ओ होप, ठीक है समझना, होप बोला है होप, लॉन्ग ओ मतलब सेकंड प्लेस वोवल, लॉन्ग ओ तो सेकंड प्लेस वोवल, सेकेंड प्लेस वोवल मीन्स ऑन द लाइन, ठीक है ये एच ऑन द लाइन और पी डार्क डैश, क्या बना होप। नेक्स्ट हमारा हेड, हेड देखना स्टूडेंट्स, हेड शॉर्ट ई हेड, एच के बाद डी, ठीक है डाउनवर्ड बनेगा सॉरी अपवर्ड एच बनेगा, हेड सेकेंड प्लेस वोवल मतलब ऑन द लाइन एच एंड डी डार्क लाइट डॉट हेड। नेक्स्ट हमारा हैवी, इसमें भी सेकंड प्लेस वोवल हैवी, शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है हैवी, सेकंड प्लेस वोवल मींस ऑन द लाइन एच और वी हैवी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा होटल, होटल नहीं बोला, होटल। ठीक है, होटल में स्टूडेंट्स देखना कि होटल में क्या का है, सेकंड प्लेस बनेगा हो टी एल, हो टेल, यहाँ पे टी के बाद लाइट डॉट आएगा, होटल। सॉरी ये हुज बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। होटल देखना, होटल ये सेकंड प्लेस वो बन जाएगा, हो एच टी एल, हो टेल। ठीक है, हो सेकंड प्लेस वो वाला लॉन्ग ओ, हो टेल। नेक्स्ट हमारा हैंग, हैंग शॉर्ट ए आ रहा, हैंग मतलब फर्स्ट प्लेस वोवल, फर्स्ट प्लेस वोवल मींस अबव द लाइन, एच फिर एनजी, ये क्या बना हमारा हैंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ह्यूज, ह्यूज हुज नहीं है, ह्यूज यू का वो आ रहा है, यू यू में आ रहा है। ठीक है, डिफ्थोंग ह्यूज, थर्ड प्लेस जाएगा यू, एच जी और यू, बताया था ना आई ओई ओ यू, आई ओई ओ यू, यू का आ रहा ह्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हरी, हरी देखो आर भी दो प्रकार के बताए थे कि डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर। अपवर्ड आर में क्या करना है, जब आर के बाद वोवल आए लास्ट में तो अपवर्ड बनेगा, हरी ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, ये बनाया हमने एच। ठीक है, सेकंड प्लेस ये टच होगा लाइन के, एच आर हरी। ठीक है, ये एच मैं बता देता हूँ, ये एच बना है और आर इसको कर देंगे अपवर्ड। ठीक है, ये क्या बना हमारा हरी। ठीक है, इजी है ना, ये बना हमारा हैप्पी, होप, हेड, हैवी, होटल, हैंग, ह्यूज और हरी। इनमें कुछ डाउट हो तो स्टूडेंट्स पूछ लो मुझसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, सिर्फ आज एच का ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखना इसमें क्या कहा, द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्टॉक पी टू द फॉर्म फॉर्म द फ्रेज, मतलब फ्रेज में हमने होप का यूज करना है ना, जब फ्रेज में हमको होप का यूज करना है, फ्रेज में होप आ जाए तो हमेशा उसका जो स्टॉक बनेगा वो पी पी बना के होप को डिस्क्राइब करेंगे फ्रेज के अंदर, जैसे आई बनाते हैं पी में डिस्क्राइब करना है सिर्फ होप को। देखना आई होप, अब देखना स्टूडेंट्स अलग अलग बनाता हूं, आई होप। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट बनाया है, मतलब इसका शॉर्टकट ये होगा कि क्या कहा, जब फ्रेज में होप का साउंड आ जाए, देखना सिर्फ होप फ्रेज के साथ, तो पी का स्टॉक लेके आएगा, जैसे आई होप। ठीक है, समझ रहे हो ना, दोबारा बना देता हूं, ये बना आई आई होप, ये होप हो गया पी। ठीक है, आई होप यू विल, अब देखना कितना बड़ा बनेगा, आई होप यू विल। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाया इसी स्ट्रोक के साथ, आई होप यू विल। ठीक है ना, नेक्स्ट है आई होप यू आर, इसका लॉन्ग लॉन्ग बनाओगे, आई होप यू आर, ये तो काफी बड़ा हो गया, ऐसा तो बनाना ही नहीं हमने। ठीक है, इसका शॉर्टकट बनाएंगे फ्रेज में होप को, आई होप यू आर बस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वी होप, वी होप मान लो अलग अलग बनाओगे, ये वी बनाया हमने, ये होप बनाया, पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत बनाया है। ठीक है, इसको डायरेक्ट बना देंगे वी होप, बस दैट्स इट, बना हमारा वी होप, वी होप। ठीक है, नेक्स्ट बना हमारा वी होप यू विल, अब इसको अलग अलग बनाओ कैसे बनेगा, वी होप यू विल, अब ये काफी बड़ा हो गया। ठीक है, बड़े में देखो हमें टाइम बचाना है, फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, फ्रेजेस का मतलब हो रहा है टाइम बचाने के लिए हमने, या दो से दो, दो या दो से अधिक वर्ड्स एक सिंपल सी आउटलाइन बनाएंगे ना तो वो फ्रेजेस होगा। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट बनाएंगे, वी होप
यू विल, बस कोई इतना टफ नहीं है ना, आपको समझना है सिर्फ चीज को। नेक्स्ट हमारा वी होप यू आर, ठीक है। अब लॉन्ग मेथड में बनाओगे इसको, लॉन्ग 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 हैंड में, वी होप यू आर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। होप आ रहा है फ्रेज में, तो पी स्ट्रोक बनेगा, जैसे वी होप यू आर, बस खत्म। ये स्टैंड होती है बस इजी तरीके से, बस आपको समझना है चीजें, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना। जैसे आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी होप यू विल, वी होप यू आर, बस दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काफी अच्छा है, आपको सिर्फ समझना है कि होप को हम पी स्ट्रोक करके होप दैट्स इट खत्म कर देंगे। सिर्फ अगर अगर मान लो अकेला आपने होप बनाना हो, सिर्फ होप, तो वो पूरा बनेगा। अगर किसी फ्रेज के साथ होप को मर्ज करना, तो पी स्ट्रोक बना के होप खत्म कर देंगे, ये होप हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा काफी इंटरेस्टेड है ये, इसको समझना। द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ए फ्रेज बाय द शॉर्ट फॉर्म बट, ठीक है। इन अदर क्लास, इन अदर केस कैसेस यूज डाउनवर्ड एच। इसमें ये कहा है कि ही अगर फ्रेज में या तो मिडल में हो या लास्ट में हो, शुरू में नहीं, या तो ही फ्रेज के मिडल में हो या लास्ट में हो, ठीक है। जैसे इफ इफ ही, ठीक है, ये लास्ट में है और मिडल में नहीं है, ठीक है, लास्ट में चल जाएगा। अब इफ ही शुड, ये बीच में है, बोला ना मिडल में हो, बट ही विल, ठीक है, बट ही विल, ये बट थोड़ा अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना आपको, बट ही विल। अब देखना ही विल, या तो क्या कहा है कि या तो शुरू में आए या तो मिडल में आए, ये बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, ये बट इसके साथ मर्जी नहीं होगा, बट ही विल, इसको मैं काट देता हूँ, ही विल। अब ही में क्या है स्टूडेंट्स, ये तो बीच में भी नहीं आ रहा और ना ही ये लास्ट में आ रहा है, ये शुरू में आ रहा है, ठीक है, तो ही प्रॉपर बनेगा। क्या क्या है, क्या कहा गया है इसमें, कहा है या तो फ्रेज में मिडल में आए ही या लास्ट में आए, बट इसमें मिडल में भी नहीं आ रहा और लास्ट में भी नहीं आ रहा, इसमें तो शुरू में आ रहा ही, तो ये पूरा बनेगा। अब जैसे बट का साउंड लेके आएंगे, बट का जो स्ट्रोक बनेगा वो ही में बनेगा, ठीक है। ये बट वाला आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बट का यूज ही में कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल यूज मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कहा गया है टिक करेंगे दा का, जैसे बट कैसे बनाएंगे, बट ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे कहा इफ ही, ये बना इफ और ही, इफ बट नहीं आएगा, ये इफ ही हो गया, इफ ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफ ही शुड, शुड तो हमारा अपवर्ड बनेगा ना हल्का सा ऐसे, ठीक है, ये बना हमारा इफ ही शुड, ठीक है। अब ही को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बट के फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या, इसमें ही कैसे आ रहा है, या शुरू में आ रहा है, शुरू में आ रहा है तो प्रॉपर बनेगा ही विल, ही विल, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ही विल क्यों आया, मतलब टिक क्यों नहीं लगाया हमने, टिक इसलिए नहीं लगाया, ना तो ही बीच में आ रहा है और ना ही लास्ट में आ रहा है, समझ रहे हो ना चीज, एक बार समझ लेना आप, समझने के बाद आपको काफी इंटरेस्ट आएगा सीखने में, यार ये तो काफी अच्छा आ रहा है। तो अब जब ट्रांसक्रिप्शन करोगे ना, ट्रांसक्रिप्शन में आपको इजी लगेगा कि ये मैंने ही बनाया, इफ ही शुड, इफ ही, ठीक है, रिवाइज करा देता हूं मैं। इफ ही ऐसा ही क्यों बना, बताया था ना, या तो ही लास्ट में आए, इफ ही शुड, ही ऐसा ही क्यों बना, या तो बीच में आए, ही विल इसमें पूरा क्यों बना, क्योंकि इसमें ना तो लास्ट में आ रहा है ना बीच में आ रहा है, तो ही शुरू में आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग मत होना, इजी तरीके से समझना और प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में जो होगा हमारा प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ उसकी, ठीक है। प्रैक्टिस में ये पैसेज है, ये मैं ही करवा देता हूँ, आप तो नहीं करोगे, मुझे ही करवाना पड़ेगा ये,
ठीक है, क्या कहा है? दे होप, दे होप, ये बना दे, दे होप, ये समझ गया ना होप क्यों बना पूरा? टू हैव द बिल, बी एल, बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग, लैडिंग एल डी एन जी, लैडिंग इन द, इन शॉर्ट फॉर्म है इन द, मेल लॉन्ग ए आ रहा एम के साथ, एम एल मेल, टुडे टी डी लॉन्ग ए टुडे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा आई नो, ये बना हमारा आई नो ह्यूज, सॉरी ह्यू, ह्यू ह्यूज नहीं है, मेरे को थोड़ा ह्यूज लगा, ये ह्यू, ह्यू यू मर्ज कर देंगे इसके साथ, यू। यू के बाद राइली, राइली राइली, आई आ रहा है आर एल राई, फिर ली राइली, एंड आई थिंक, ठीक है शॉर्ट फॉर्म है, फ्रेज बना देंगे, आई थिंक ही विल रीच, रीच लॉन्ग ई आ रहा थर्ड प्लेस, आर चे रीच ए हाई, बताया था ना डेरिवेटिव फॉर्म उसको छेड़ना नहीं, हाई ऐसे तो ऐसे ही है, हाई रैंक, रैंक शॉर्ट ए आ रहा है फर्स्ट प्लेस वोवल, शॉर्ट ए फर्स्ट प्लेस वोवल मतलब अबव द लाइन, ये आर एन के रैंक, इन द आर्मी, आर मी, देखो आर्मी में लॉन्ग आ रहा है, लॉन्ग आ मतलब फर्स्ट प्लेस वोवल, ठीक है फुल स्टॉप। वी होप, बताया था ना पी को पूरा कर देंगे, वी होप आ रहा ना यहाँ पे यूज, वी का वी होप कैसे बना, वी होप यू विल, यू इसी के साथ अटैच कर देंगे, यू विल। एंजॉय, एंजॉय सेकंड प्लेस वोवल है, एन जॉय द, एंजॉय द वोएज, वोएज आई ओई, ओई वाला ना वोएज, ठीक है वी जे आई ओई जे वोएज, ज्वाइनिंग ऑफ डिफ्थोंग है, एंड वी होप, ठीक है टू सी यू, वेन यू, वेन यू बताया था ना, When you get ठीक है back short a first place vowel full stop, I should like the head, अपवर्ड बनेगा ना head, head of योर फर्म, फर्म एफ आर एम फर्म, टू सी और शॉर्ट फॉर्म है ह्यूज, ह्यूज स्टूडेंट्स बताए थे ना, यू का डिफ्थोंग आ रहा है एच जे ह्यूज, यहाँ पे यू आएगा ह्यूज, न्यू, न्यू फैक्ट्री शॉर्ट शॉर्ट ए आर एफ में फर्स्ट प्लेस वोवल, फैक्ट री फैक्ट्री, एंड शॉर्ट फॉर्म है इफ ही विल, अब ही इस पे क्यों बनाया बताया था ना, या तो बीच में है या लास्ट में है, इफ ही विल कम फुल स्टॉप, कम शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है आई विल, आई विल फैच एफ जे फैच हिम इन माय, आई आर माय कार के आर फर्स्ट प्लेस आएगा फुल स्टॉप, इफ ही
कैन डू सो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई शुड लाइक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना हमारा आई, शॉर्ट फॉर्म है, शुड बी शॉर्ट फॉर्म है, लाइक आई आ रहा है फर्स्ट प्लेस वोवल एल के, लाइक हिम टू हैव लंच, ए का साउंड आ रहा है एल एन चे लंच, विद विद के बाद विद मी एट, ठीक है ये बना एट और द पार्क, पी आर के पार्क, दैट्स इट। तो ये कितना इजी है अगर मान लो आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस देखोगे और इजीली मैं वीडियोस इसमें अपलोड करता रहूंगा, इसमें आपको क्या पूरा बेसिक में कवर करवा दूंगा स्टेनो के अंदर। बेसिक के बाद स्टूडेंट्स मैं एक आप ऐसा चीज बताऊंगा तो आप इजीली क्रैक कर दोगे कोई भी स्टेनो का स्किल टेस्ट, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं इसका। ये बना हमारा दे होप टू हैव द बिल ऑफ लैडिंग इन द मेल टुडे फुल स्टॉप, आई नो यू रैली एंड आई थिंक ही विल रीच ए हाई। हाई देखो हाई डाउनवर्ड क्यों बना, क्योंकि एच के साथ हाई वोवल आ रहा है, ठीक है इसलिए डाउनवर्ड बना। हाई रैंक समझ गए कैसे बना रैंक, इन द आर्मी फुल स्टॉप, वी होप यू विल, अब देखो वी होप यू विल में होप क्यों आया, पी बताया था ना पिछली वीडियो में, फ्रेज में अगर होप अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो पी का स्टॉप बनेगा, वी होप यू विल। एंजॉय, एंजॉय बताया था ओए का साउंड आ रहा है, शॉर्ट ई का आ रहा है तो सेकंड प्लेस बनेगा एंजॉय, ये वाली स्टॉप बनेगा एंजॉय, एंजॉय द डॉट। वोएज, वोएज बता दिया कैसे बना है, एंड वी होप टू सी यू, यू पता है विद यू, ये भी आपको पता हो गया, गेट बैक, ठीक है। नेक्स्ट ये फुल स्टॉप है, नेक्स्ट हमारा आई शुड लाइक। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फ्रेजेस के तौर पे करवाया था, आगे ऐसे ही बनाएगा, मैं आपको इसका अलग कर देता हूँ, ये हमारा हो गया आई, ये शुड, ये एल के लाइक, ठीक है। वो मैंने अभी एक्चुअली स्पीड पे होंगे तो आई शुड लाइक इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी फिलहाल ये सीखो आप बेसिक पे। आई शुड लाइक समझ गए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा द, द समझ गए, द हेड, हेड भी आप क्लियर है, ऑफ यूर भी क्लियर है, फर्म भी क्लियर है, टू सी और यूज न्यू फैक्ट्री एंड इफ ही विल कम फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट हमारा आई विल समझ गया ना, एल को रिप्रेजेंट करना है विल के साथ, विल के विल को रिप्रेजेंट करना है एल स्टॉप के साथ, ठीक है। फैच हिम इन शॉर्ट फॉर्म है माई कार फुल स्टॉप, इफ ही बता दिया था ना पिछली वीडियो में, बताया था ना ही या तो बीच में आए या लास्ट में आए, ठीक है। बट के थॉट पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इफ ही कैन डू सो आई शुड लाइक हिम टू हैव लंच विद मी एट द पार्क। बस ये आज की जो क्लास होगी ना यही खत्म होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे ही, नोटबुक आप लेके बैठे हो, अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं आता ना तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको वर्ड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स के अंदर कि ये ऐसा ही क्यों बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा सेशन है 9th वीडियो का, तो आज ये यही खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अच्छा लेके आऊंगा और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वीडियो 1 पहले क्लियर करना है, फिर वीडियो 2 क्लियर करना है, फिर 3 क्लियर करना है, फिर 4, ऐसे मतलब चलना है। आपने कभी ऐसा नहीं करना 2 के बाद आप डायरेक्ट 5 वीडियो पे आ जाए, तो 5 वीडियो में जो मैं करवाऊंगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि मैं अच्छे से अच्छे स्टेनो से रिलेटेड वीडियो ला सकूं और हमारी टीम को भी सपोर्ट मिलेगा सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट जरूर करना, ठीक है, और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि रिप्लाई नहीं देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम हो जो मैंने अभी करवाया 9th वीडियो में उसको मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, टाटा बाय बाय।